दूसरों की गलतियों से सीखें। आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। हाय एवरीवन, मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज कुछ वैकेंसीज लेकर के। आज की सारी वैकेंसीज रहेंगी सोलन की, हिमाचल प्रदेश की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त सोलन में रहते हैं या वहां पर जाकर के जॉब करना चाहते हैं, उन सबके लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। हमेशा की तरह ये बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे होते हैं। बताना जरूरी होता है कि मैं आप लोगों को जो भी वैकेंसीज बताता हूं, इन वैकेंसीज में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, जस्ट एक आप सब भाइयों के लिए बहनों के लिए एक हेल्प रहती है, सो दैट हम जितना हो सके अपनी तरफ से बेरोजगारी को खत्म कर सके, जितना हो सके हम अपने भाइयों की बहनों की बंधुओं की एक हेल्प कर सके, उनको रोजगार दिला सके। और हमेशा आपको चुकन्ना भी करता हूं कि कभी भी नौकरी लगने के लिए एडवांस में इधर उधर पैसे मत दे करके आया करो। बहुत लोग अपने पैसे वेस्ट करते हैं, माँ बाप का बड़ा मुश्किल से पैसा कमाया हुआ होता है और आप जाकर के वेस्ट कराते हो। होता क्या है कि पैसे देकर के आते हो, उसके बावजूद भी आपकी नौकरी नहीं लगती है, फिर आप उस कंसल्टेंट के आगे पीछे घूमते हो, ऑफिस के चक्कर लगाते हो, उनको कॉल्स करते हो, और आपको अगर इंटरव्यूज कराई भी जाती हैं, तो ऐसी जगह पर इंटरव्यूज कराई जाती हैं जहां पर आप जॉब करना ही नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो। सो अगर आपको लगता है जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ आपके मतलब की वैकेंसीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं हैं, तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई बहन दोस्त बंधु को नौकरी मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए। आपका शेयर किसी की जान बचा सकता है, आपका शेयर किसी की जिंदगी बना सकता है। और आपको क्या करना है, मैं जो भी आपको वैकेंसीज बताता हूं इनमें डायरेक्टली मैं फोन नंबर ईमेल आईडीज नहीं बताता हूं, क्योंकि कई बार वैकेंसीज पुरानी हो जाती हैं। आज बता रहा हूं, आप वीडियो चार दिन के बाद देखते हो तो वो वीडियो आपके लिए पुराना हो जाता है। अगर मैं आपको उन पर फोन नंबर दिए हुए बताता हूं, तो आप डायरेक्टली उन पर कॉल करते हो, कॉल करने के बाद पता लगता है कि वैकेंसी फिल हो गई। जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, इन वैकेंसीज के फोन नंबर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पे अपना सीवी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा। जब एक लिंक आएगा तो आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है। लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपको वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी आपको लगे आपके मतलब को कुछ है, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सोलन की वैकेंसीज। सोलन में हमें एक स्कूल में कंप्यूटर पीजीटी टीचर चाहिए, और टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसी तरह से एक कंपनी है, यहां पर बिजनेस डेवलपमेंट डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए कुछ लोग चाहिए। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी, एनी ग्रेजुएट हो, एनी पोस्ट ग्रेजुएट हो चल जाएगा। दो पोस्ट हैं यहां पर, कम से कम आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 20,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा असिस्टेंट मैनेजर की, ये भी आपको बिजनेस डेवलपमेंट डोमेस्टिक मार्केटिंग में चाहिए। एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एक वैकेंसी है, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30,000 से 40,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद QA डिपार्टमेंट में QAMS की पोस्ट के लिए कुछ लोग चाहिए, जिसने बी फार्मा एम फार्मा कर रखी हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 से 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोजीशन है, सैलरी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर नेगोशिएबल है। उसके बाद QC डिपार्टमेंट में माइक्रो बायोलॉजिस्ट चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव जिसने MSc BSc कर रखी हो माइक्रो और बायोटेक में, 1 वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी आपको 20,000 to 30,000 पर मंथ मिल जाएगी।
उसके बाद R&D डिपार्टमेंट है और इसमें ऑफिसर्स चाहिए जिसने MSc कर रखी हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एक पोजीशन है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 25,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद प्रोडक्शन सेफा डिपार्टमेंट में ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर्स चाहिए जिन्होंने बी फार्मा एम फार्मा कर रखी हो, एक पोस्ट है, 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्रोडक्शन नॉन बेटा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कंप्रेशन ऑपरेटर चाहिए जिसने ITI कर रखी हो, एक वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी 20,000 प्लस आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन नॉन बेटा डिपार्टमेंट ने कोटिंग ऑपरेटर चाहिए जिसने ITI कर रखी हो, एक पोस्ट है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 20,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पैकिंग ऑफिसर्स चाहिए एम फार्मा या बी फार्मा कर रखी हो, एक पोस्ट है, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी आपको 20,000 प्लस मिल जाएगी। उसके बाद वायल फिलिंग ऑपरेटर चाहिए, ITI कर रखी हो, एक पोस्ट है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी आपको 18,000 प्लस पर मंथ मिल जाएगी। सो ये कुछ वैकेंसीज थी जी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। ये सारी की सारी वैकेंसीज सोलन की हैं, हिमाचल की हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर जाकर के इनकी प्रॉपर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो इसको आगे शेयर जरूर कर दीजिए, हो सकता है आपके मतलब का नहीं है, किसी और के मतलब का निकल आए, हो सकता है उसकी जिंदगी बन जाए, आपकी वजह से बन जाए और वो आपको दुआ देगा। अगर आपको जॉब्स सूटेबल नहीं लग रही हैं तो मैं बीच बीच में कोशिश भी करता रहता हूं कि आपको बिजनेस के टिप्स देता रहूं। उन्हीं बिजनेस के टिप्स को आप देखते रहा करो, पढ़ते रहा करो, सुनते रहा करो, हो सकता है कोई बिजनेस आइडिया आपका भी निकल आए जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो, हो सकता है आपको बढ़िया कमाई हो जाए, समझे? खुश रहिए आप, दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।